हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस पढ़ेंगे। मतलब हम लोग ये आज देखेंगे कि दो फंक्शन को कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट और प्रोडक्ट और डिवीजन हम लोग करते हैं। तो ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। इसको हम लोग अलजेब्रा ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन सीखेंगे। तो डेफिनेशन देखिए, एडिशन ऑफ टू फंक्शंस। तो देखिए, एक फंक्शन एफ है ए टू बी और दूसरा फंक्शन जी है सी टू डी, है ना। ये दोनों रियल फंक्शन होने चाहिए। देखिए, रियल फंक्शन क्या है यह हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। तो जो सम फंक्शन होगा उसको हम लोग यह प्लस जी से दिखाएंगे, ठीक है। और इसका जो डोमेन होगा वह इन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा, और जो को डोमेन होगा वह रियल नंबर का कोई सबसेट होगा। और डिफाइन कैसे है, देखिए, यह जो सम फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग एक्स की जो इमेज है वह पहले फंक्शन के अकॉर्डिंग एक्स की इमेज प्लस दूसरे फंक्शन के अकॉर्डिंग एक्स की इमेज। अब देखिए, यह बात ऐसे नहीं समझ में आएगी, पहले हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, फिर हम लोग बाद में इस पर आएंगे। देखिए, यह फंक्शन जो एफ है वह 1 को 4 बना रहा है, 2 को 5 और 3 को 5, ठीक है। दूसरा फंक्शन जी है वह 1 को 2, 2 को 8 और 7 को 1 बना रहा है। तो इसका जो सम फंक्शन होगा उसको देखिए आप एफ प्लस जी से डिनोट करेंगे, और इसका जो डोमेन होगा वह इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो क्या होगा, 1, 2, है ना। अब यह कैसे काम करता है यह ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जो सम फंक्शन है यह प्लस जी वह अप्लाई होगा 1 पर। तो देखिए, डेफिनेशन क्या कही जा रही है कि एफ प्लस जी के अकॉर्डिंग एक्स की इमेज इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो आप इसको देखिए लिखेंगे क्या, एफ वन प्लस जी वन। अब यहाँ पर आप देखिए, एफ वन देखिए कितना है, 4, है ना। एफ के अकॉर्डिंग 1 की इमेज 4 और जीवन कितना है, 2। तो फाइनली जो है 1 की इमेज कितनी आ गई, 6। इसका मतलब है कि पहले फंक्शन के अकॉर्डिंग 1 की इमेज 4 है, दूसरे फंक्शन के अकॉर्डिंग 1 की इमेज 2 है। तो जो सम फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग दोनों की इमेजेस का सम यहाँ पर 6 हो जाएगा। यह ध्यान देंगे, सम किसका करेंगे, इमेजेस का। अब वैसे देखिए, एफ प्लस जी यह ऑपरेट होगा किस पर, 2 पर। तो कितना हो गया, F2 प्लस G2। इसका मतलब F की इमेज 2, F के अकॉर्डिंग 2 की इमेज 5 और G के अकॉर्डिंग 2 की इमेज 8। तो यह कितना हो गया, 8 प्लस 5 13। तो इसका मतलब है कि जो सम फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग 2 की इमेज कितनी होगी, 13। इसका मतलब अगर दो फंक्शन को आप सम कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ आप इमेजेस को सम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा, 1 की इमेज 4, 1 की इमेज 2, तो टोटल 1 की इमेज कितनी, 6, 4 प्लस 2 6, और 2 की इमेज 5 और 2 की इमेज 8, तो 2 की टोटल इमेज कितनी, 13। तो ये जो न्यू फंक्शन होगा इसको हम लोग इन दोनों फंक्शन का सम कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखा हुआ है, है ना। एक फंक्शन है एफ आर टू आर, दूसरा फंक्शन जी आर टू आर, और जो पहला फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड जो दूसरा फंक्शन जी एक्स है वह एक्स प्लस 1, और सम फंक्शन निकालना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम क्या होगा कि यह जो सम फंक्शन है इसका डोमेन क्या होगा। तो इसका इसका इंटरसेक्शन लीजिए, आर और आर का इंटरसेक्शन, डेफिनेटली आर, और यहाँ पे आर आप कोडोमेन लिख सकते हैं। अब डेफिनेशन देखिए कैसे अप्लाई होगा, एफ प्लस जी के अकॉर्डिंग एक्स की इमेज इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। मतलब क्या, एक्स की इमेज एफ प्लस जी के अकॉर्डिंग बराबर एफ एक्स प्लस जी एक्स। आप वैल्यू रख दीजिए, एफ एक्स कितना, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स कितना, एक्स प्लस 1। तो यह हम लोग सम फंक्शन निकाले। अब कोई कहेगा, देखिए इसका काम क्या है, जैसे देखिए यह 1 रखिए आप, 1 को 1 बना रहा है, 1 को यह 2 बना रहा है। तो अगर दोनों के सम की बात करेंगे तो यह फंक्शन 1 को डायरेक्ट 3 बनाएगा, मतलब यह 1 को 1, 1 को 2, इमेजेज को डायरेक्ट यह सम करेगा। तो इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं सम, और ये जो ऑपरेशन डिफाइंड है इसको कहते हैं एडिशन ऑफ टू फंक्शंस। अब हम लोग दो फंक्शन का डिफरेंस देखेंगे। तो देखिए, पहला फंक्शन है एफ ए टू बी और दूसरा फंक्शन है जी सी टू डी, आर टू रियल फंक्शन, ये दोनों रियल फंक्शन हैं। तो जो इनका डिफरेंस होगा एफ और जी का, उसको एफ माइनस जी से दिखाएंगे। इसका जो डोमेन होगा वह इन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा, और जो को डोमेन होगा वह रियल नंबर का कोई सबसेट होगा, यहाँ पे हमने ई कह दिया। तो डिफाइन कैसे है, एफ माइनस जी जब ऑपरेट होगा एक्स पर तो एफ एक्स माइनस जी एक्स। पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एक फंक्शन एफ ए टू बी और दूसरा फंक्शन है जी सी टू डी। तो इसका जो डिफरेंस फंक्शन होगा उसका डोमेन होगा ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और सी का इंटरसेक्शन,
जो फिलहाल के यहाँ पे 1, 2 है। अब देखिए कैसे ऑपरेट होगा, तो ध्यान दीजिए f माइनस जी है वह 1 पे ऑपरेट होगा, तो यह होगा f1 माइनस जी 1। मतलब क्या, 1 की इमेज जो है ना, f के अकॉर्डिंग मतलब f1 4 है और g के अकॉर्डिंग 1 की इमेज कितनी है, 2। तो कितना हो गया, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस फंक्शन में इमेजेस का डिफरेंस हो जाता है, मतलब इमेजेस को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यह किस पे ऑपरेट होगा, f माइनस जी ऑपरेट होगा किस पर, 2 पर। तो क्या हो जाएगा, f2 माइनस जी 2। तो देखिए f के अकॉर्डिंग 2 की इमेज क्या है, f के अकॉर्डिंग 2 की इमेज कितनी है, 5, और g के अकॉर्डिंग 2 की इमेज कितनी है, 8। तो फाइनली कितना आ गया, -3। इसका मतलब जो यह न्यू फंक्शन है f माइनस जी, इसके अकॉर्डिंग 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज कितनी है, -3। इसका मतलब दो फंक्शन का डिफरेंस मतलब इमेजेस का डिफरेंस, ठीक है। तो यह हम लोग देखिए रोस्टर फॉर्म में जिसको एरो डायग्राम के थ्रू हम लोग बात को समझ पाए। अब देखिए दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, सेट रूल फॉर्म में लिखा है ना, तो f r टू r है, दूसरा फंक्शन भी r टू r है, f x कैसे डिफाइंड है, x स्क्वायर, और g x कैसे डिफाइंड है, x प्लस 1। तो f माइनस g निकालना है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका डोमेन लिखेंगे, है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन r, और कोडोमेन आप r लिख दीजिए। अब देखिए f माइनस जी जो है x पे ऑपरेट होगा, तो डेफिनेशन क्या कर रही है, f x माइनस जी x, ठीक है। तो f x की वैल्यू कितनी हो गई, x स्क्वायर, और g x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1। तो फाइनली कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। तो ये जो न्यू फंक्शन होगा इसको इन दोनों फंक्शन का डिफरेंस कहेंगे। तो हम लोग ये देख पाए कि दो फंक्शन के डिफरेंस का मतलब क्या होता। अब हम लोग दो फंक्शन का प्रोडक्ट देखेंगे, तो देखिए डेफिनेशन पहले देखते हैं, पहला फंक्शन f a टू b है, दूसरा फंक्शन g c टू d है, और ये दोनों रियल फंक्शन है ना। तो जो प्रोडक्ट फंक्शन होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे f इंटू जी से, और इसका जो डोमेन होगा वह इन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होगा, और जो कोडोमेन होगा वह रियल नंबर का कोई सबसेट होगा। अब देखिए डिफाइन कैसे है, f इंटू जी जो यह न्यू फंक्शन है वह x पे ऑपरेट होगा, तो दोनों फंक्शन से जो इमेजेज हैं मतलब f x और g x को प्रोडक्ट कर देगा। अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए एक फंक्शन f है ना, a टू b डिफाइंड है, दूसरा फंक्शन g है, c टू d डिफाइंड है। तो जो प्रोडक्ट फंक्शन होगा उसका डोमेन इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, तो a और c का इंटरसेक्शन क्या है, 1, 2, सही है ना। अब देखिए ये इमेजेस कैसे मिलेंगी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए f इंटू जी अगर ऑपरेट होगा 1 पर, इसका मतलब f1 इंटू जी 1, मतलब क्या कि जो इमेजेज हैं उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखिए f1 मतलब f के अकॉर्डिंग 1 की इमेज कितनी है, 4 है ना, और g के अकॉर्डिंग 1 की इमेज कितनी है, 2। तो पूरी इमेज कितनी हो गई, 8। इसका मतलब जो प्रोडक्ट फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग 1 की इमेज कितनी हो गई, 8, है ना। अब देखिए यह ऑपरेट होगा 2 पर, ठीक है, तो f2 इंटू जी 2, ठीक। f2 देखिए क्या है, f2 को बना रहा है 5 और g जो है 2 को बना रहा है 8। तो यह फाइनली कितना हो गया, 40। इसका मतलब जो प्रोडक्ट फंक्शन होगा वह 2 को बना देगा 40। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट फंक्शन होता है वह इमेजेज को प्रोडक्ट कर देता है, ठीक है। देखिए एक शेड्यूल्ड फॉर्म एग्जांपल है, ये दोनों f r टू r और g r टू r है ना, तो अगर हमको यह फाइंड करना है f इंटू g, तो देखिए सबसे पहले इसका डोमेन लिखेंगे, तो डोमेन क्या हो जाएगा, इसका इसका इंटरसेक्शन, तो ऑब्वियसली r ना, और यह r। अब यह f इंटू g फंक्शन जो है x पे ऑपरेट होगा, तो यह हो जाएगा f x इंटू g x, मतलब इमेजेज का प्रोडक्ट, यहाँ डेफिनेशन लिखा था। देखिए f x कितना है, x स्क्वायर, g x कितना है, x प्लस 1। तो फाइनली कितना हो गया, x क्यूब प्लस x स्क्वायर। तो ये जो न्यू फंक्शन होगा इसको f और g का प्रोडक्ट फंक्शन हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख पाए कि दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट करना है इसका मतलब है उनके इमेजेस का प्रोडक्ट करना है। अब हम लोग दो फंक्शन का कोसेंट या डिवीजन देखेंगे, तो देखिए डेफिनेशन देखिए, पहला फंक्शन f a टू b है, दूसरा फंक्शन c टू d है, दोनों रियल फंक्शन होने चाहिए। तो जो इसका डिवीजन होगा उसको दिखाएंगे f अपान g से। यह जो फंक्शन होगा उसका डोमेन इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, उस इंटरसेक्शन में से ऐसे x बाहर हो जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग
जिसमें जी के अकॉर्डिंग एक्स की में जीरो आ रही होगी, मतलब ये जो दूसरा फंक्शन है अगर उसके अकॉर्डिंग किसी की में जीरो आ रही है तो वह एक्सक्लूड हो जाएगा, ठीक है, मतलब वह हट जाएगा। अब ये डिफाइंड कैसे है, देखिए एफ अपान जी एक्स बराबर एफ एक्स अपान जी एक्स, मतलब इमेजेस का हम लोग डिवीजन कर देंगे। तो पहले हम देखते हैं, देखिए ये पहला फंक्शन एफ ए टू बी है ना, दूसरा जी सी टू डी है, तो अब इन दोनों का जो डोमेन है, या पहले हम लोग देख रहे हैं ए और सी है ना, तो जो डिवीजन वाला फंक्शन होगा उसका डोमेन इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो देखिए इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, 1 2, तो जो यहाँ लिखा, हाँ अगर बाय द वे किसी की में जीरो आ रही होती जी के अकॉर्डिंग तो उसको भी डोमेन में से हम लोग हटा देते, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि यह डिफाइन कैसे है, तो देखिए कैसे ऑपरेट हो रहा है, एफ अपान जी ऑपरेट होगा 1 पर, तो क्या होगा एफ 1 अपान जी 1, मतलब क्या इमेजेस का जो है डिवीजन, मतलब 4, एफ 1 कितना है 4 है ना, और जी 1 कितना है 2, तो 4/2 मतलब कितना 2, तो इसका मतलब 1 की इमेज कितनी हो गई 2। अगर यही ऑपरेट होगा किस पर, 2 पर, यहाँ पे जो 2 है, तो यह क्या हो जाएगा भाई एफ 2 अपान जी 2, ठीक है। अब देखिए एफ 2 कितना है, एफ 2 है 5 और जी 2 कितना है 8, तो इसका मतलब है कि इसकी इमेज हो जाएगी कितनी 5/8। इसका मतलब दो फंक्शन का डिवीजन, इसका मतलब है कि जो इमेजेज आ रही हैं उनका डिवीजन, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे दो फंक्शन का डिवीजन। अब देखते हैं, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, मतलब अगर आपको फंक्शन का डिवीजन करना है इसका मतलब इमेजेज का डिवीजन करना है, तो देखिए यहाँ पे एफ जी निकालना है ना, एफ बाई जी मतलब डिवीजन निकालना है, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए, ठीक है, कितना होगा r। लेकिन अब यहाँ पे देखिए एक नंबर, यहाँ पर अगर x की वैल्यू -1 रखेंगे तो ये जीरो आएगा, है ना, तो इसका मतलब इसमें से एक नंबर आपको रखना पड़ेगा -1, मतलब क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, 2r लिख देंगे, और जो डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग निकालेंगे तो f अपान जी एक्स बराबर एफ एक्स अपान जी एक्स। अब देखिए एफ एक्स क्या है, यहाँ पे एफ एक्स है एक्स स्क्वायर और जी एक्स कितना है एक्स प्लस 1, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्यों हमने 1 -1 को हटाया, अगर आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ -1 होता तो यह नॉट डिफाइंड हो जाता, इसका मतलब है कि एक्स की जो वैल्यू रखने पर जी एक्स जीरो हो रहा हो उसको भी डोमेन से बाहर करना पड़ेगा। तो यह जो है हम लोग देखिए दो फंक्शन का डिवीजन क्या होता है, इसका मतलब दो फंक्शन का डिवीजन मतलब क्या कि उनके इमेजेस का डिवीजन, ठीक है। हम लोग देखिए क्या सीखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन या कोसेंट कहिए। ऐसे देखिए रेसिप्रोकल फंक्शन भी होता है और उसकी डेफिनेशन में कुछ नया नहीं है, अगर 1/f है तो यह x पे ऑपरेट होगा तो वह जो है इमेज को रेसिप्रोकल कर देगा, ठीक बात है। इसका मतलब कोई फंक्शन अगर x को अब यहाँ पर ऑपरेट होगा तो इमेजेज को वह डिवाइड कर देगा, मतलब 1/fx कर देगा। अब इसका देखिए मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन 2 की इमेज 4 दे रहा है तो रेसिप्रोकल फंक्शन 2 की इमेज 1/4 देगा। तो आज हम लोग क्या सीखे कि ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस, जिसको आप अलजेब्रा ऑफ फंक्शन कहेंगे, एडिक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और साथ में रेसिप्रोकल फंक्शन हम लोग सीख पाए। तो आज के लिए इतना ही, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए।